ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਾਬੜਤੋੜ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਲ ਪਠੇਜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। पूरे हिंदुस्तान की गल सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो साडे नाल सी एक अच्छा स्कूल बनना सी, दिल्ली पब्लिक वर्गा स्कूल बनना सी, पर इन्हें कांग्रेस के लोगों को सुरजीत कुमार जी जैनी अपने विचार रखे। मैं दो नारे लावांगा, हाथ खड़े करके जोश नाल बोलना है ताकि पता चले जैनी साहब नूं असीं पूरा समर्थन देते हैं। चौधरी सुरजीत कुमार जैनी जिंदाबाद, चौधरी सुरजीत कुमार जैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी सुरजीत कुमार सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे ते खड़े पत्रकार बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं ते भैणों कृषि प्रधान देश के छोटे प्यारे बच्चों दा नगर कौंसल प्रधान ने कुछ दिन पहला कहा कि जी सीवरेज समस्या सारे पहले दुर्गा कॉलोनी बहुत वड्डी है तो असी पाइप कड़ी है जी कोल एम आर कॉलेज वालों कांशना कॉलोनी वालों उत्थे फसलां बीजिया ही झोना करके तो इस करके असं पाइप नहीं काट सकते हूँ झोना भी टप चुके जी नवी फसल तैयार है हाले तक कोई उन्होंने वालों का काम नहीं किया गया कुछ नहीं कर सकते गल कर सकते हैं ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 28 ਕਰੋੜ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਤਮਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ दुर्गा कॉलोनी है समस्या देखो समस्या तो इतने मेन सड़क की है बाईपास भी हो लोगों को आना जाना को बाईपास होना चाहिए सड़क होना चाहिए सेंट पेंट अगर सीवरेज की कितने कमी है वो भी होनी चाहिए है पीने वाले पानी की होनी चाहिए है लाइट होनी चाहिए है और हरेक कलोनी दी विच एक अच्छा पार्क भी हो जिसे बुजुर्ग बैठ सकन बच्चे झूला झूला झूल सकन यानी कि अच्छी हरियाली की सब कुछ। आज कलोनी कितने परिवार शामिल हो बीजेपी में और 25 परिवार है शामिल जो जैनी साहब रवनीत बिट्टू ने अज एक वीडियो मीडिया की गल कही साढ़े नाल कांग्रेस के जो आम आदमी पार्टी शामिल गल है कि इलेक्शन जोड़ा है वो प्रचार का ही होंगे लोगों संपर्क का होंगे लोगों ने मोहल्ले से जाके उन्होंने समस्या सुननी होंगी है हल कर वादा करना होंगे और जोड़ा वादा करता पूरा करता लोग मान सम्मान करते हैं जिस तरह साडा करते हैं असं जो वादे किए लोगों के पूरे किए कांग्रेस ने जो वादे किए एक भी पूरा नहीं किया अज कांग्रेस के लोग जो है मूँह नहीं लाते साढ़े ना मान सम्मान करते और असं हूँ जो वादे करा पूरा करा लोगों साढ़े तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी कम कर सकती है भारतीय जनता पार्टी ने कम किया है तो फाजिलका जनता भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई प्रधानमंत्री मोदी के दौरे लेके भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो मोदी साहब जिसे इलेक्शन होता उस किसी स्टेट से हो सूबे उत्ते जाते हैं मोदी साहब के तीन चार प्रोग्राम हरेक थान से होंगे तो वो मोदी साहब का प्रोग्राम है वो पंजाब के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। एक लास्ट क्वेश्चन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वालों कहा जा रहा है कि जैनी साहब कहते हैं कि अभी विकास के दावे लैके वोट मंगते हैं जबकि इतों का सिविल होस्पिटल किसी को इलाज करा जाना पैंता तो बाहर जाना पैंता है साढ़े टाइम कोई बाहर नहीं जाना पैंता सारिया मशीन लेके आए थे
इन्हों के सरकार के अगर किसी बेटी बाद डिलीवरी दिक्कत होती है तो रेफर किया जाता है। इन्होंने गंद मारे सारी चीज़ों का करप्शन करके रिश्वतखोरी कर। जय श्री राम जी। थोड़े मल्ले मंत्री साहब आए ने भारतीय जनता पार्टी जानी साहब, कि समस्यावं तुम्हें आज जानी साहब अगर रखी? असी जानी साहब के अगे जी अपनी पहली समस्या रखी है जी पक्के मकाना दियाँ, फिर उस तो बाद सब्जी यूनियन दियाँ, फिर अपने समाज वास्ते कमेटी हाउसिंग मंग रखी है। तो जानी साहब जी पहला मंत्री सी उन्होंने नींह पत्थर रखे तो काम अटक गया सी, तो हम उम्मीद करते हैं जानी साहब आएंगे फिर दोबारा वही कमेटी हल बनाएंगे। एक यूथ यूथ वालों किस तरह का रिस्पॉन्स? यूथ वालों तुम देख रहे हो जी कुर्सियाँ कोई भी खाली नहीं रही, तो चारों तरफ ही भीड़ सी। तो मैं सारे युवा का धन्यवाद करता जो पूरा साथ देंदे हैं मेरे मंदिर निवासी। तो मेरे देखो जी मुकाबला किसी नाल नहीं जी, दो बंदे खड़े हुए हैं अलग अलग एक ही बिरादरी के, दोनों ही एक ही बिरादरी दी है। फिर उस तो बाद बारदा बंदा तो जड़ा काम की गल करे जोड़े समझदार व्यक्ति है वो सिर्फ चौधरी सुरजीत कुमार जैनी जी चुनन गए तो और किसी को नहीं चुनते। तो फाजिलका आवाज़ भी आ चुकी है तो सारे ही कह रहे हैं एक आवाज़ भी चौधरी सुरजीत कुमार जैनी चौधरी सुरजीत कुमार जैनी। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुनील कश्यप है जी, जीवर महला निवासी हाँ जी। वार्ड नंबर 17 पहला 18 से जी। ABN न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज़ चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।